एक एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने एक टेंडर डॉक्यूमेंट्स इशू किए हैं, जिसमें उन्होंने वेंडर्स को बुलाया है जो कि इंडिया के मीडियम वेट फाइटर जेट के लिए दो फुल मिशन सिमुलेटर्स डिज़ाइन, टेस्ट और सप्लाई कर सकें। इन टेंडर डॉक्यूमेंट से मीडियम वेट फाइटर जेट की फाइनल कॉकपिट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी पता चल गया है। मीडियम वेट फाइटर जेट को इंटरनली तेजस मार्क टू भी कहा जाता है। मीडियम वेट फाइटर जेट एक हाई डेफिनेशन टच स्क्रीन से इक्विप्ड होगा, जिसकी मेजरमेंट 50x27 सेंटीमीटर होगी और ये एक वाइड एरिया डिस्प्ले होगी। ये डिस्प्ले अपनी पूरी लेंथ में इंफॉर्मेशन को इंटेलिजेंटली प्रेजेंट करेगी। इसमें मल्टीटास्क कीज, टच स्क्रीन और दूसरे एक्सटर्नल इंटरफेसेस से इनपुट रिसीव करने की कैपेसिटी भी होगी। डाटा फ्यूजन का इस्तेमाल करके ये पायलट को उसकी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी और ये कॉकपिट में फ्लाइट और मिशन इन्फॉर्मेशन की मेन सोर्स होगी। इससे पहले भी 2014 में एक ई टेंडर जारी किया गया था, जिसमें ओरिजिनली प्लान ये था कि दो मल्टी फंक्शन डिस्प्लेस इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनमें से एक का साइज 6x8 इंच होगा और दूसरी का साइज 5x5 इंच होगा। ये डिस्प्लेस तेजस मार्क टू प्रोग्राम में इस्तेमाल की जानी थी, लेकिन बाद में इसका प्लान छोड़ दिया गया था। प्रेजेंटली LCA तेजस मार्क 1 में 3 मल्टी फंक्शन डिस्प्लेस हैं। ये सभी डिस्प्लेस 5x5 इंच की हैं और इसके साथ ही 2 स्मार्ट स्टैंड बाई डिस्प्ले यूनिट्स भी इसमें लगी हुई हैं। वाइड रियर डिस्प्ले को कॉकपिट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। ये डिस्प्ले पायलट को सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है। इससे एयरक्राफ्ट एग्जिस्टिंग और फ्यूचर थ्रेट्स की डिमांड्स को हैंडल कर सकेगा और इसके साथ ही ये हाई वॉल्यूम्स ऑफ डेटा को भी हैंडल कर सकेगा। इसकी मदद से पायलट परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में वेपन्स को सिलेक्ट, लॉन्च और गाइड कर सकेगा। इसके साथ ही संभावना ये भी है कि मीडियम वेट फाइटर जेट में एक साइड स्टिक कंट्रोलर लगा होगा। साइड स्टिक कंट्रोलर डिसॉल्ट राफेल फाइटर जेट और F-35 लाइटनिंग 2 एयरक्राफ्ट में भी लगा हुआ है। इस साइड स्टिक कंट्रोलर से कॉकपिट क्लटर भी कम होगा और ये क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पायलट के व्यू से ब्लॉक भी नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।